आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की, किस तरह से हम फॉर्मेटिंग का चीज अप्लाई करते हैं। देखिए, रिपोर्ट्स जब भी आप बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी फॉर्मेटिंग। अगर उसकी फॉर्मेटिंग आपने सही ढंग से नहीं किया है तो रिपोर्ट्स को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो जनरली फॉर्मेटिंग में हम लोग अपनी फॉर्मेट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि मेनली बेसिक होता है, और आपको कुछ चीज़ें सारी चीज़ आती होगी। लेकिन इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, कभी भी कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ जाती है जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि वो चीज़ आपको नहीं आती होगी। तो चलिए हम उन्हीं फॉर्मेटिंग के ऊपर आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट की। जैसे वर्ड में आप अगर मान लीजिए डेट कुछ टाइप करें, टेंथ TH करें, तो TH ऊपर स्क्वायर की तरह चला जाता है, बट एक्सेल में नहीं जाता है। एक्सेल में ले जाने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इसके ऊपर फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके जैसे कि आप करेंगे ये आपका 10th यहां हो जाएगा। ऐसे आपको सेकंड करना है, एनडी एनडी ऊपर किया आपने, आपको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट सेल पे जाके सुपर स्क्रिप्ट करना होगा ताकि ये ऊपर चला जाए। ऐसे मान लीजिए आपको अगर 10 डिग्री करना है तो 10 एंड स्मॉल में ओ लिखें और फिर स्मॉल ओ को सिलेक्ट करें और यहां सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दे तो ये आपको 10 डिग्री दिख जाएगा। ऐसे 10 स्क्वायर करना है तो 102 लिखें, 2 के ऊपर जाए और यहां पे सुपर स्किप कर दे। लेकिन यहां पे देखिए 10 स्क्वायर अभी तो दिख रहा है, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है वो आप नंबर पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन नंबर को एज टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो नंबर को एज ए टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, तो सिंगल कोट लगाइए एंड 102 मैंने यहां पे लिख दिया, और उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके हम इसके अंदर जाएंगे और यहां से सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लें। यहां पे आपके सामने 10 स्क्वायर आ गया। ऐसे आपको नीचे तरफ लाना है तो ऊपर जा रहा है। सुपर स्क्रिप्ट एक सब स्क्रिप्ट होता है, जैसे हमने यहां पे लिख दिया H2O वाटर का फॉर्म। अब मैं यहां पे 2 को लिया और राइट क्लिक किया एंड यहां पे फॉर्मेट से और यहां पे सब स्किप करके ओके कर दिया। तो यहां पे देखिए H2O यहां आ गया। तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट था। अब जैसे कोई पैराग्राफ अगर लिखते हैं, आप कुछ पैराग्राफ में गलती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। जैसे कोई पैराग्राफ आपका है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये मेल अभी मुझे मिला है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इस सेल पे एक सेल पे इसको मैं लिख दिया, तो मर्ज कर देता हूँ सिलेक्ट करके ताकि पूरा से दिखे। यहाँ से रैप टेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ से देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं ऊपर में, या इसमें यहाँ जो कंपनी लिखा हुआ है कंपनी गलत है, तो मुझे जिसने भेजा है उसको वापस भेजना है ये बताने के लिए कि कंपनी गलत है। तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ एक स्टिक थ्रू आता है, उस स्टिक थ्रू को क्लिक कर देंगे ओके। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि हाँ ये गलत है और समझ जाएगा कि हाँ ये गलती है, इसमें हमारी गलती हुई है। क्या यहाँ पे एक और बताता हूँ कि फास्ट ट्रैक हमारा, तो फास्ट फास्ट टाइम को फर्स्ट टाइम को मुझे करना है, फर्स्ट टाइम को यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से स्ट्रिक थ्रू कर दिया, स्ट्राइक थ्रू माफ कीजिए इसको, हाँ आप देखेंगे कि स्ट्राइक थ्री को भी काट दिया। लेकिन प्रॉब्लम है ये तो चलो अपना पैराग्राफ था तो इसलिए इसे यूज कर लिए,
लेकिन मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। अब इस कुछ नंबर्स में गलती हुई है, अब मुझे थर्ड पार्टी को भेजना है प्रिंटआउट में या किसी भी फॉर्म में, तो उसको पता चले कि हाँ ये गलत है। तो जनरली हम पेन, हमारे पास पेन वगैरह होता है तो क्या करते हैं, उसको यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। तो सेम चीज हम कर सकते हैं किससे, बॉर्डर से। इस पे राइट क्लिक कीजिए या फिर किसी एक पे आप जाके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा बॉर्डर, और इस बॉर्डर पे आइए और मैं यहाँ से इसको कलर चेंज करना है तो मैं कलर रेड ले लेता हूँ। यहाँ भी इसको कर दिया और यहाँ भी इसको, क्रॉस हो गया। F4 हमारा शॉर्टकट होता है जो कि लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अब मान लीजिए सही का निशान देना तो कैसे करेंगे, तो यहां पे बॉर्डर में मान लीजिए कलर चेंज करते हैं, मैं ग्रीन ले लेता हूं, इसको ले लिया और इसको ले लिया, सही का निशान हो गया। तो देखिए ये जो हम बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं ये फॉर्मेटिंग है, इसके बिहाफ पे हम फिल्टर कंडीशन जैसे चीजें नहीं लगा सकते। तो मुझे ऐसा चाहिए जो एक टेक्स्ट हो जिसपे मैं फिल्टर लगा सकूं, कंडीशन लगा सकूं, फॉर्मूले लगा सकूं, इसको सिस्टम रिपीट कर सके, हाँ दिस इज द राइट, दिस इज द रॉन्ग। उसके लिए हम कैप्स में पी को लिखेंगे और यहां अपने फॉन्ट के ऊपर हमारे पास एक फॉन्ट है, ये बाइंडिंग टू। इस बाइंडिंग टू को क्लिक किया तो देखिए कैप्स के पी को इसने कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब मैं यहाँ पे कैप्स में ओ लिखूं तो क्रॉस हो जाएगा। और ये बेसिकली फॉर्मेट, फॉन्ट ने क्या किया, इसके लिखावट को चेंज कर दिया। ओरिजिनल में यहां देखिए पी ही है और ये आपका ओ है, देखिए हुआ, लिखावट को सिर्फ चेंज किया है। और इसके ऊपर हम अपनी फॉर्मेटिंग, अपना जो भी कंडीशंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पे एक और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये दिस इज द फॉन्ट, और फॉन्ट किसी ऑफिस का पार्ट नहीं होता है। फॉन्ट जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है किसका, एक्सेल का पार्ट होता है, सॉरी विंडो का पार्ट होता है। और विंडो के इंस्टॉल करते समय आपके उस विंडो वाले जो आपका जो विंडो था उस विंडो में हो सकता है कि आपका ये क्या बोलते हैं, ये फॉन्ट हो ही ना, या ये फॉन्ट हो तो आपका क्रैश हो गया हो, बहुत सी चीज हो सकती है। तो उस केस में यहाँ पे हम जे को लिखेंगे कैप्स में, और इसके यहाँ पे आपके सामने अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट में आप ये तो अलाइनमेंट यहां से भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और -45 डिग्री के एंगल पे अपने टेक्स्ट को रोटेट कर लूंगा और क्रॉस के लिए एक्स तो है। याद रखिएगा कि क्या रोटेशन हम इसी चीजों पे करते हैं, नहीं, इसके अलावा भी हम यूज करते हैं रोटेशंस। चलिए इसके लिए एक सिंपल सा एक डेटा बनाते हैं, एक अटेंडेंस का ही डेटा बना देते हैं, नेम, और अटेंडेंस में मैं दिसंबर का अटेंडेंस बनाता हूं। यहां पे हमने नेम दे दिया कुछ, माफ कीजिएगा गलती कर गया, ये आ गया। अब मैं इसको यहां से डबल क्लिक करूंगा और मैं इसको ऑटो फिट कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि मेरा ये नंबर एक पेज, ये मेरा पेज जो है एक पेज पे प्रिंट नहीं आएगा। रीजन है कि इसकी हेडिंग बड़ा है।
मैं हेडिंग के साइज को छोटा कर भी दूं फिर भी नहीं आए, मैं 11 कर दिया जो जनरली होता है। हम देख रहे हैं कि हमारे इस डेटा में हमारा सिर्फ क्या है, हमारा डेटा बड़ा छोटा है, बड़ा क्या है, मेरा हेडिंग बड़ा है। तो हमने क्या किया, इस हेडिंग को सिलेक्ट किया और यहीं पे रोटेशंस में हमने ये कर दिया रोटेट टेक्स्ट अप, और फिर इस पूरे सीट को सिलेक्ट करके हमने यहां से डबल क्लिक कर दिया तो ये छोटा हो गया। आया समझ में? तो इसका यूज हम इस तरह से करते हैं। उसके बाद छोटे मोटे चीज और है उसको देख लेते हैं, जैसे कि आप, मैं अपना नाम लिखता हूं सुजीत कुमार, तो यहां भी आपको देखिए क्या है कि ये आपका कॉलम से बाहर जा रहा है, मैं यहां से रैप कर सकता हूं। तो रैप करते ही वो स्पेस की और कॉलम की साइज और टेक्स्ट की साइज के अकॉर्डिंग टूट के नीचे आ जाता है। देखिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से मेरा टूटे, मेरा जो है अपने हिसाब से टूटे, जहां से मैं चाहूँ वहां से टूटे। तो उस केस में आप टाइप करते समय ऑल्ट एंटर प्रेस करें, क्या प्रेस करें, ऑल्ट एंटर। तो ऑल्ट एंटर यहां से मैं प्रेस किया तो जहां पे कर्सर होगा वहां से टूट जाएगा, और टाइप कर सकते हैं। जब रैप टेक्स्ट करते हैं तो आपका कॉलम बड़ा हो जाए, रो बड़ा हो जाए। जब आप ऑटो फिट करते हैं तो आपका कॉलम बड़ा हो जाता है, जैसे कि मैंने यहां से डबल क्लिक कर दिया तो ऑटो फिट हो गया, आपका कॉलम बड़ा हो गया। तो ना मुझे कॉलम बड़ा करना है ना मुझे रो बड़ा करना, मेरी जो टेक्स्ट की साइज है उसी साइज में मेरा जो टेक्स्ट है वो फिट हो जाना चाहिए। तो उस केस में मैं यहां अलाइनमेंट पे जाऊंगा, श्रिंक टू फिट, यहां दिख रहे होंगे श्रिंक टू फिट, क्लिक कर दिया एंड ओके किया तो स्विंग होके इस एरिया में वो फिट हो गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। जी हाँ, इस तरह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद रैप टेक्स्ट तो पता ही है कि सॉरी क्या बोलते हैं मर्ज स्टेट, लेकिन मर्ज में एक होता है क्रॉस मर्ज। क्रॉस मर्ज क्या करता है कि सिर्फ रो वाइज मर्ज करता है। अब अगला ऑप्शन हमारा आता है, वो आता है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेल में हम ज्यादातर नंबर्स पे ही काम करते हैं। तो चलिए नंबर फॉर्मेटिंग को समझते हैं। पहला जनरल में जैसा टाइप करोगे उसी तरह का फॉर्मेट आएगा। नंबर, नंबर में क्या होगा कि आपका डेसिमल प्लेसेस लगा सकते हैं, थाउजेंड ऑपरेटर और निगेटिव। अगर निगेटिव में अगर माइनस हुआ तो माइनस दिखेगा, इसको सिलेक्ट कर लिया तो कलर रेड होगा, इसको सिलेक्ट कर लिया तो कलर रेड भी होगा और माइनस भी होगा। करेंसी में हम सिर्फ करेंसी का सिंबल या करेंसी का कोड दे सकते हैं, इसके अलावा डेसिमल पॉइंट एंड ये क्या बोलते हैं निगेटिव्स के अलावा। अकाउंटिंग में सिर्फ हम डेसिमल सिर्फ दे सकते हैं क्या, करेंसी का सिंबल, लेकिन इसका एक और यूज हम करते थे, मैं खास कर करता था इसलिए मैं बता देता हूं। क्या होता है कि हमारे पास एक डेटा है और मैं जैसे यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है तो जीरो को थोड़ा सा फाइंड करना पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ जीरो थोड़ा सा अलग दिखे। कभी कभी होता है जीरो डैश हो जाता है, उस तरह के डैश करना है। हालांकि करेंसी से भी किया जा सकता है लेकिन हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं, इसको नन कर देते हैं और डेसिमल प्लेसेस को जीरो कर देते हैं एंड ओके। देखिए तो ये जो नंबर है उससे जस्ट विजिबिलिटी में डैश हुआ है, एक्चुअल में जीरो ही है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपका एक एक्सेल का मेथड कहता है कि फॉर्मेटिंग जस्ट चेंज द विजिबिलिटी कांट चेंज द ओरिजिनलिटी। इसी मेथड पे ये चलता है, तो फॉर्मेटिंग सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्या है? डेट, अपने अपने डेट की फॉर्मेटिंग आप चूज कर सकते हैं। डेट का अपना एक ये है,
फॉर्मेट है, जैसे इंडिया है जैसे यूएसए सेलेक्ट कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट, और अपने अपने डेट का जैसा फॉर्मेटिंग चाहिए उस तरह की फॉर्मेटिंग ले सकते हो। सिर्फ टाइम की फॉर्मेटिंग, तो टाइम की फॉर्मेटिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या जैसे कि मान लीजिए मैंने 45 घंटे 20 मिनट किसी का टाइम निकाला और गलती से वो नंबर फॉर्मेटिंग मतलब कि जनरल फॉर्मेटिंग में हो गया, अब उसके ऊपर अपना टाइम का फॉर्मेट आप डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो देखिए 9:20 दिखा रहा है, वो 24 घंटे के बाद वापस 1 हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ से 37:30:55 का फॉर्मेट हम लेंगे, देन ओके करेंगे तब ये आपका 45 दिखेगा। तो टाइम में इसका ध्यान आप रखेंगे। उसके बाद इसमें परसेंटेज नॉर्मल है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझ लीजिए क्या होता है कि 2.5 मैंने किया तो इसको अलग तरीके से दिखाया जा सकता है फ्रैक्शन के जरिए। ये देखिए हाफ नंबर 1/2। बात आती है टैक्स की, जैसे मान लीजिए मुझे इस कॉलम में चेक नंबर ही लिखना है तो हम चेक नंबर में मोस्टली 0 होता है कि 00 1 2 3 4 एंटर मारते हैं तो हट जाता है, तो सिंगल कोट लगा के यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। सिंगल कोट लगाया, इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे पूरे कॉलम में सिंगल कोट लगाना है तो उस केस में राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ हम टेक्स्ट में आते हैं। और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी दूंगा तो फॉर्मूला परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये टेक्स्ट हो गया। ओके सर, हाँ अब अगला टॉपिक हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग है तो उसको हम कल करेंगे, तब तो तक इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नए नए फॉन्ट कुछ नए नए फॉर्मेटिंग को ढूंढिए, कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। ओके सर, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।